की बात है, और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इश्यू ज्वाइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया, और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है वहां पर। नाम क्या रखा जाए, तो सबके सहमति से ये नाम जो है रखा गया है, जो नाम आपको हमने बताया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये नामकरण जो है किया गया है, और मजबूती के साथ जिस प्रकार से मुद्दे की बात नहीं होती है, गरीब की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारों की बात नहीं हो रही, किसानों की बात नहीं हो रही, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से शोषण सत्ताधारी लोग कर रहे हैं उस पे न्याय नहीं हो रहा है, महंगाई पर चर्चा नहीं होती, देश का रुपया कमजोर होता जा रहा है, आर्थिक व्यवस्था और कमजोर हो रहा है हमारे देश का, इन सारे मुद्दों को हटा करके जो है केवल नफरत की राजनीति की जा रही है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो हमारा देश है वो डाइवर्सिटी इसकी खूबसूरती है, यहाँ लोकतंत्र की जननी पूरे दुनिया में अगर माना जाता है तो इंडिया में माना जाता है, वो भी बिहार वैशाली में, और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम देश की आवाज है, जो देश का दर्द है, जो देश की समस्याएं हैं, उस बात को जो है हम लोग सब लोग मजबूती के साथ उठाने का काम कर रहे हैं, मणिपुर चाहे मणिपुर की जो घटना महिला के साथ हुई, कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो हुई है, और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे, अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे, बताइए राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया, कौन है प्रधानमंत्री इस देश का, लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है, लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं वहाँ चीजों को समझते हैं, हालात में समाज में वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे हैं क्या हो रहा, पूरा जल रहा, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं अगर वहाँ बीजेपी पार्ट एंड पार्सल नहीं होता, कोई और विपक्षी दलों का राज होता और उस राज में इतनी बड़ी अगर घटना हुई होती तो कौन कौन एजेंसियां घुस गई होती, और जो गोदी मीडिया है क्या क्या बोलने लगती भाई, मणिपुर की घटना को गोदी मीडिया नहीं दिखा रही, विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं उसको लेकर के भ्रामक खबर फैलाई जाती है, झूठी खबरें फैलाई जाती है कि फलना जी नाराज हो गए, चिल्ला जी नाराज हो गए, किस बात की नाराजगी भाई, हम सब लोगों का लक्ष्य ही है कि देश के संविधान, देश की लोकतंत्र को बचाने का काम करें, विकास की बातें होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, तो बिना वेरीफाई बिना कुछ किए हुए कोई कुछ लिख देता उसी के पीछे सारी खबरें चलने लगती है, सर प्रधानमंत्री तो इसलिए कहा तेवर लिया है मणिपुर को लेकर, कहा है कि अगर सरकार से नहीं कुछ हो पाता है, कौन सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, नहीं नहीं आप बताइए अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, देश का प्रधानमंत्री खामोश है, भारत सरकार चुप है, और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, राहुल गांधी जी को जाना पड़ता है, क्या इसी दिन के लिए अच्छे दिन आएंगे, देश के अच्छे दिन आएंगे, मणिपुर देश में है कि नहीं है, ये अच्छे दिन है मोदी जी, ये बताना पड़ेगा ना मोदी जी को कि यही अच्छे दिन के लिए उनको वोट दिया गया था, ये तो बताएं भाई वो। सर प्रधानमंत्री ने ओपोजिशन मीटिंग पर कहा है कि सभी जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो परिवारवादी हैं, वो साथ आ गए हैं, देखिए 20 लाख करोड़ का घोटाला है, चिराग पासवान जी से गले लग रहे हैं वो क्या है, अजीत पवार
गोपाल कांडा रेपिस्ट जो रहे वो सब लोग फोटो में है, प्रफुल्ल पटेल वगैरह सब लोग फोटो में है, वो लोग क्या है, क्या थे भाई पहले, क्या थे? अब हमको रिकॉल कराने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पीछे खड़े हो, कौन है भाई? उनके पिता जेल में थे ना, अब वो भी तो किसी के बेटे हैं। डिप्टी सीएम किसने बनाया, अजीत पवार और दुष्यंत चौटाला को? पशुराज भाई अपने पारस जी, चिराग पासवान, ये परिवारवाद नहीं है? किस बात के बारे में बात है? तो ये देखिए, इनकी राजनीति जो है अब खत्म होने वाली है। देश की जनता बेवकूफ नहीं है, देश की जनता सब देख रही है। हम तो काम की बात कर रहे हैं ना। अरे आप बताओ ना, आपने देश के लिए क्या किया? मणिपुर में तो क्या हालात हो गए, उसी हिसाब से पूरे देश का जो हालात है, घोषित इमरजेंसी लागू है, सारे संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के जितना इंस्टीट्यूशन है सबको बर्बाद कर दिया गया, सब चीज प्राइवेटाइज किया जा रहा, तो घोटाला नहीं हो रहा है क्या? ठीक ही कहा ना अखिलेश जी ने कि भाई नोटबंदी जो था देश का सबसे बड़ा घोटाला था। 2000 का नोट कौन लाया, 2000 नोट को कौन गायब किया? उस बीच में बीजेपी जो है, देश का एक जिला बता दो जहां बीजेपी का दफ्तर ना बना हो। कहां से आया पैसा, कौन दे रहा है पैसा? तो इन सब चीजों पे बेकार की बातें नहीं, सकारात्मक बातें होनी चाहिए। लेकिन उनका तो काम ही है नफरत की राजनीति करना। क्या सर लगता है 2024 का रिजल्ट क्या होगा? 2024 का रिजल्ट देखिए, हम सब लोग मजबूती के साथ एक, किसी ने कल्पना नहीं की होगी, ये भाजपा वाले भी नहीं सोचे होंगे कि ये लोग एक होंगे, एक हो गए। अगली बैठक बॉम्बे में है, और भी निर्णय हो जाएगा। जब समय बलवान है, गद्दी पे कोई परमानेंट बैठा हुआ नहीं रहता है, जो आता है वो जाता है, जो जन्म लेता है वो उसकी मृत्यु होती है। तो सत्ता में भी जो लोग आए हैं उनको जाना तय है, तो इसलिए घमंड में नहीं रहना। Thank you.